जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये आपका अयोध्या पुराना रेलवे स्टेशन है और आगे हम चलते हैं यहाँ से, सीधा आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में जो कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक का क्या क्या रूट है और जाने का पूरा रास्ता दिखा देते हैं हम आपको। और मेरे भाई लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि कितना दूर है और कितना चीज़ है इस समय, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। जस्ट यहाँ से लगभग आपका 1 किलोमीटर पड़ेगा, मैं आपको पूरा रूट तक दिखा देता हूँ इस ब्लॉग में। बिना स्किप किए मैं लेके चलूँगा आपको राम मंदिर वाले रूट पे, जो राम जन्मभूमि पथ है, जो कि इससे पहले मैंने ब्लॉग शेयर किया है और वो वाला मैं दिखा देता हूँ आपको। और वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ से फुल वीडियो आपको पूरे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ देख लीजिएगा। और ए टू जेड मैं इस पर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जो भी है, और बाकी सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिएगा। और पहले सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको, दिखा देता हूँ राम जन्मभूमि पथ जो मार्ग है वहाँ तक लेके, और वहाँ से सीधा आपका चला जाता है लगभग 200 मीटर लगभग रख लीजिए वहाँ से सीधा राम मंदिर की। तो वो लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ आपको पहले। जस्ट देख सकते हैं यहाँ से, और जस्ट सामने अभी हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से जब आप निकलेंगे सीधा तो आप श्री राम हॉस्पिटल के सामने निकलेंगे जस्ट, और उसके बाद हम मुड़ते हैं राइट में, राइट से मुड़ेंगे जब, आपको दिखा दूंगा मैं। और अभी इस समय रामपथ, वो रामपथ से सीधा कनेक्ट हो जाता है, तो रामपथ फिर राम जन्मभूमि पथ भक्ति पथ आपका सब यहीं पर मार्ग है और नामकरण किया गया है। तो अभी मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट अभी ये मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ श्री राम हॉस्पिटल के जस्ट सामने, और ये हमारा सामने आपको दिखा देखने को मिल जाएगा पिंक वाली बिल्डिंग है जो एकदम पिंक कलर का की गई है, यही है आपका श्री राम हॉस्पिटल। और जस्ट अभी हम सीधे चलते हैं आगे और आगे का पूरा दिखा देते हैं। और ये अभी हम रामपथ पे निकल चुके हैं, देख सकते हैं जस्ट हम आ गए हैं रामपथ पे, और ये देख सकते हैं रामपथ का डेवलपमेंट इस समय अयोध्या में बहुत तेज़ी से चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा जो भी अपडेट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर, और कैसे इतनी बड़ी बड़ी पाइपें ये पूरा यहाँ पे लगाई जाएंगी जो कि सीवर का काम करेगी, और पूरा जो भी पानी हो सब गंदा वाला होता है वो सब यहाँ से निकाला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट हम आ गए हैं आपका राम जन्मभूमि पथ पे, जो कि रास्ता है जो आपको सीधा श्री राम जी तक लेके जाएगा, श्री राम मंदिर तक। तो ये दिखा देते हैं आपको जस्ट, ये आप सामने देख सकते हैं। तो और हाँ भाई, और मैं चलो अभी बहुत कुछ अपडेट देने वाला हूँ, बने रहिए, आगे थोड़ा आगे चलते हैं, जो जो अपडेट है वो सब शेयर कर देते हैं आपके साथ। तो दिखाते हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे कैसे काम चल रहा है, यहाँ पे भीड़ भी बहुत हो जाती है। और अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, वो देख सकते हैं वहाँ पर जस्ट, ये देखिए ये आपका राम जन्मभूमि पथ वाला मार्ग है, जो कि ये नया वाला रूट है, वो आपका ये वाला है, और यहीं से जाता है सीधा मार्ग राम मंदिर तक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये हम पहुँच गए हैं जस्ट, ये देखिए, ये देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया पूरा, वो राम जन्मभूमि पथ वाला मार्ग था, और वहीं से सीधा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही लेकर आता हूँ, और जो नेक्स्ट अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में जय श्री राम। और अभी इससे बाद वाली ब्लॉग जो आने वाली है वो रामपथ पे आपका होने वाली है, जो कि राम जन्मभूमि पथ से सीधा आपका सीधा चले जाएगा नए घाट तक। तो देख लेते हैं उसे आगे वाली ब्लॉग में, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जय श्री राम।